गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट रोम। एज यू नो दैट रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। दिस वीडियो इज फॉर क्लास 7 एंड वीडियो पार्ट 12। रोम, जैसा कि आपको पता ही होगा, रीड ओनली मेमोरी के नाम से जाना जाता है। और इन दिस मेमोरी बेसिक पार्ट स्टेट अप रूटीन्स एंड बायस, जिसको हम लोग बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के रूप में जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह का मेमोरी में, जिसको हम लोग रीड ओनली मेमोरी के रूप में जानते हैं, इसमें जो बेसिक यानी कि शुरुआती जो पार्ट्स होते हैं, जो कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करने में, है ना, जो सपोर्ट करते हैं, जो बायस के रूप में यह जाना जाता है, यह इसमें परमानेंटली फॉर्म में लोड रहता है। और यह मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा ही, जब इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है कोई भी कंप्यूटर का, तो उसी समय इसको बिल्ड किया जाता है, लोड कर दिया जाता है। द इंफॉर्मेशन कैन बी रीड ओनली, यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन को सिर्फ पढ़ा जा सकता है। सो व्हेन द पावर इज ऑफ द कंप्यूटर डज नॉट लॉस इट्स कंटेंट्स, यानी जब भी पावर कट होता है तो इसमें कंप्यूटर जो है अपना कोई भी डाटा को या कोई भी कंटेंट को लॉस नहीं करता, यानी डिलीट नहीं होता है, ख़त्म नहीं होता है। आइए हम लोग देखें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस या एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस के रूप में जाना जाता है, जहाँ पर डेटा को हम लोग स्टोर करके रखते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं उनको प्रयोग में लाया जाता है पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम में। तो यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि द परमानेंट स्टोरेज ऑफ डेटा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कैन बी यूज्ड विद द पीसी सिस्टम, यस, पर्सनल कंप्यूटर। यहाँ सेकेंडरी स्टोरेज इज ऑल्सो रेफर टू एज एक्सटर्नल स्टोरेज। यहाँ सेकेंडरी स्टोरेज जो मीडिया हैं वो रेफर किए जाते हैं एक्सटर्नल स्टोरेज के रूप में। सिंस द कॉस्ट पर मेगाबाइट्स इज वेरी स्मॉल, यहाँ पर जो कॉस्ट है, लागत है पर मेगाबाइट्स का, वो बहुत छोटा होता है। हंड्रेड्स ऑफ मेगाबाइट्स टू हंड्रेड्स ऑफ गीगाबाइट ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड ऑन देम एज रिक्वायर्ड। यहाँ पर दिया गया है कि हंड्रेड्स ऑफ मेगा बाइट्स यानी 100 MB से लेकर के 100 GB का जो डेटा होता है और इंस्ट्रक्शन होता है, यहाँ पर स्टोर किया जा सकता है, जितना भी उसके लिए ज़रूरत स्पेस होती है उसके अनुरूप। नेक्स्ट, फ्लॉपी डिस्क, यहाँ पर दिया गया है। फ्लॉपी डिस्क आप लोग देखे भी होंगे, नहीं तो बुक्स वगैरह में आप देख सकते हैं। द फ्लॉपी डिस्क इज ए काइंड ऑफ अ स्टोरेज डिवाइस, यह फ्लॉपी डिस्क जो है एक स्टोरेज डिवाइस है। यहाँ पर भी डेटा को हम लोग स्टोर करके रखते थे, हालांकि आज ये आउटडेटेड है, लेकिन चूँकि आपको हर चीज़ के बारे में जानना चाहिए जो भी इतिहास है। दैट वॉज डेवलप्ड इन अर्ली 1970s, तो 1970 या उसके पहले इसको डेवलप किया गया था। और एज ए चीपर एंड फास्टर स्टोरेज डिवाइस, ये डिवाइस का बहुत ज़्यादा लागत नहीं होता था, मतलब कम मूल्य था इसका, और बहुत तेज़ स्टोरेज डिवाइस था अपने एज में, अपने जमाने में जिस समय यह निकला होगा। इट इज़ ए स्मॉल रेंडम एक्सेस डिस्क, यह स्मॉल रेंडम एक्सेस डिस्क के रूप में जाना जाता है।
द डिस्क इज मेड अप ऑफ फ्लेक्सेबल प्लास्टिक कोटेड विद मैग्नेटिक ऑक्साइड। इसके अंदर एक पतला सा प्लास्टिक का फ्लेक्सेबल जिसमें मैग्नेटिक ऑक्साइड के द्वारा कोट किया गया एक मतलब परत होता था जो फ्लॉपी के अंदर आप देख सकते हैं। अगर कोई भी पुराना फ्लॉपी अगर आपके पास है और उसको आप खोलेंगे तो उसके अंदर इस तरह का प्लास्टिक कोटेड विद मैग्नेटिक ऑक्साइड का जो पत्थर होता है एक स्ट्रिप टाइप का प्लास्टिक का वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो डेटा इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक स्पॉट्स। तो यहाँ पर डेटा को जो स्टोर किया जाता है वो मैग्नेटिक स्पॉट्स के रूप में यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क अनदर मैग्नेटिक मीडिया सुटेबल फॉर स्टोरिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन इज द हार्ड डिस्क। यहाँ पर दूसरा जो मैग्नेटिक मीडिया है जो कि बड़े पैमाने के लिए मैंने यानी बड़े पैमाने पर जब डेटा या कोई भी चीज़ हमें स्टोर करना होता है तो इसका इस्तेमाल के लिए बहुत सटीक होता है और बहुत उपयुक्त माध्यम है यह। सो ए हार्ड डिस्क पैक कंटेंस टू और मोर मैग्नेटिक प्लेट्स फिक्स टू ए स्पेंडल। तो आप हार्ड डिस्क देखे होंगे, आप बुक में भी आप देख सकते हैं, इसका फिगर आपको मिल जाएगा। तो इसके जो अंदर का जो हिस्सा होता है जो इंटरनल जो फिगर होता है कि एक डिस्क जो है उसमें मैग्नेटिक प्लेट्स फिक्स किए गए होते हैं स्पैंडल से, एक नीचे की तरफ होता है और दूसरा इसमें सेट लगे होते हैं जो रीड और राइट करने का काम यहाँ पर हेड करता है और हेड भी एसोसिएट्स होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। तो इसका जो हेड ही है वो रीड और राइट करने का काम करता है। द डिस्क पैक इज परमानेंटली सील्ड इनसाइड ए केस। यानी यह जो डिस्क रहता है वो पूरी तरह से पैक रहता है, सील रहता है, आप इसको खोल नहीं सकते हो। और ऐसा इसलिए भी किया जाता है कि इसका जो केस जो है वो प्रोटेक्ट करता है डस्ट से या बहुत ज़्यादा अगर मॉइस्चराइजर है उससे। सो द रोटेटिंग स्पीड, इसका जो घूमने का जो स्पीड है जो गति है हार्ड डिस्क का वह 3600 RPM। अब तो यहाँ आज इससे भी ज़्यादा स्पीड का आपको हार्ड डिस्क मिल जाएगा मार्केट में। तो इसमें जानकारी के लिए चूँकि बुक्स में दिया हुआ है कि 3600 जो RPM है इसका चक्कर काटने का जो गति आप बोल सकते हैं यानी रिवोल्यूशंस पर मिनट होता है, तो इसका रोटेटिंग स्पीड हो गया। दैट्स ऑल।